नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में कंप्लीट लॉकडाउन का जो दूसरा चरण था, जिसमें चार दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन शामिल था, इसको ख़त्म कर दिया गया है। शनिवार सवेरे 4 बजे लॉकडाउन ख़त्म हो गया और दिन के समय जो गतिविधियां हैं, वाहनों की आवाजाही है, लोग बाहर निकल सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, आप अपने काम पर जा सकते हैं, लेकिन शाम के 5 बजे से पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आप अपने घर लौट आएँ, क्योंकि आज शाम से लेकर के 31 जुलाई तक रात का कर्फ्यू है, रात का लॉकडाउन जारी रहेगा। इस 4 दिनों के लॉकडाउन में जो सामान की जो किल्लत है वो सामने आई थी, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन में जो दुकानदार हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वो ज़रूरत के सामान अपने यहाँ स्टोर नहीं कर पाए थे, और ऐसे में जब शनिवार को मार्केट आज ओपन हुआ है तो लोगों को सामान की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए वाणिज्य उद्योग एवं निवेश संवर्धन मंत्रालय ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। शुक्रवार से ही इन स्टोर्स पे जो बैकअप प्लान के तहत सभी सामानों की डिलीवरी स्टार्ट कर दी गई थी, जी हाँ, ताकि शनिवार को जब लोग शॉपिंग के लिए निकलें, क्योंकि 4 दिनों से लोग बंद थे अपने घरों में, उनके ज़रूरत के सामान खत्म हो गए, तो शनिवार को जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोग शॉपिंग के लिए आएंगे और सामान मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेगा तो कीमतें भी प्रभावित होंगी। कम सामान रहेगा, खरीदने वाले ज़्यादा रहेंगे तो कीमतें बढ़ सकती हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने शुक्रवार से ही स्टोर्स पे जो माल है उसकी सप्लाई करने की परमिशन दे दी थी, ताकि जो डिलीवरी सिस्टम है, जो चेन सिस्टम है, वो ब्रेक ना हो, और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रॉयल वन पुलिस ने इस पूरे लॉकडाउन में बहुत मेहनत की थी। साथ में जो बाढ़ आई थी उसमें जो लोग बेघर हुए थे, जो लोग पानी में फंसे थे, जिन लोगों को कोई मदद का आसरा नहीं दिख रहा था, ऐसे लोगों को मदद की रॉयल वन पुलिस की सेनाओं ने। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने एक अपडेट दिया है कि डोफार के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वैसे दिन भर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, शाम के समय कहीं कहीं कोहरा देखने को मिल सकता है जो निचले इलाके हैं वहां पे। सूर में बाढ़ की वजह से जो व्यक्ति लापता हुआ था उसकी तलाश अभी भी खोज और बचाव दल ने जारी रखा है, और अपने इस अभियान को उन्होंने और विस्तृत कर दिया है, और बड़े इलाके में छानबीन की जा रही है, ताकि इस चौथे व्यक्ति का जल्द से जल्द पता लग सके कि जो लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं और गवर्नमेंट के जो राष्ट्रीय टीकाकरण के अभियान के अंतर्गत अपना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। हालांकि आज वैक्सीनेशन सेंटर पर कहीं भी वैक्सीन नहीं लग रही है। कल यानी 25 जुलाई से, रविवार से, ओमान के हर वैक्सीन सेंटर पे वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगा। जिन प्रवासी वर्कर्स ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, वे अपना वैक्सीनेशन प्राइवेट सेंटर में करवा सकते हैं, और यदि आपकी कंपनी आपको वैक्सीन दिलवा रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि कंपनियां भी वही वैक्सीन अपने वर्करों को लगवा रही हैं जो कि ओमान की सल्तनत में लाइसेंस दिया गया है जिस वैक्सीन को यूज करने के लिए। तो कंपनी वैक्सीन लगवा रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगवा रही है तो आप प्राइवेट में लगवा सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने बताया है कि जिन कंपनियों ने वैक्सीन नहीं खरीदा होगा, हमारे चौथे चरण के अभियान के अंतर्गत उन कंपनियों के कर्मचारियों को भी हम वैक्सीन फ्री में अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ओमानी लोगों को वैक्सीन लगाने की जो सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। ओमान में लगभग 38% लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है, और जिस तरह से सरकार डोफार में केवल वैक्सीनेटेड पीपल को घुसने की अनुमति दी जा रही है, हमें लगता है कि आने वाले समय में सल्तनत में पूरी तरह से वैक्सीन लगने के बाद केवल वैक्सीनेटेड लोगों को ओमान में घुसने की परमिशन दी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरह का एक कदम उठाया है, डोफार एक उदाहरण है। टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन हो चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, और इसके उद्घाटन समारोह में ओमान के एथलीट्स ने परेड में भाग लिया। जी हाँ, ओमान इस साल टोक्यो में 4 खेलों में अपने खिलाड़ियों को सम्मिलित कर रहा है, जिसमें तैराकी, तीरंदाज, भारोत्तोलन और एथलीट्स शामिल हैं। कोरोना वायरस के विश्व स्तरीय मामले सामने आए हैं, पूरे 210 देशों में कोविड का जो कोहराम मचा हुआ है। 2019 दिसंबर में चाइना में सबसे पहला संक्रमण का मामला सामने आया था, और अब तक पूरे विश्व में 192.5 मिलियन लोग इस कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं या फिर उन्होंने अपनी जान को गंवा दिया है। ओमान में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो सावधानी है उसको भी भूल जाएं। सावधानी को
हमेशा पालन करिए, कोविड गाइडलाइंस को हमेशा ध्यान में रखिए, सोशल गैदरिंग से हमेशा बचिए, मास्क लगा के रखिए। भारत में पिछले 24 घंटे में 39,097 नए कोविड मरीज सामने आए हैं और जो रिकवरी रेट है वो 97.3% दर्ज की गई है। भारत में लगातार वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है और संक्रमण की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे थम रही है। यूएई की एमिरेट्स ने एक बयान दिया है कि 28 जुलाई तक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की जो फ्लाइटें हैं उसको हम सस्पेंड कर रहे हैं। इन देशों के यात्री अभी यूएई में एंट्री नहीं कर सकते हैं। सऊदी अरब के कस्टम अधिकारियों ने 2.1 मिलियन कैप्टागन गोलियां बरामद की हैं। जी हां, एक ट्रक में लगे टोमेटो सॉस के डब्बों में बहुत चालाकी से इन गोलियों की तस्करी की जा रही थी, लेकिन एक्सरे मशीन में कुछ गड़बड़ी लगी तो अधिकारियों ने इन सॉस के डब्बों को ओपन किया और जैसे ही डब्बों को ओपन किया इसके ढक्कन में गोलियों को छिपा करके तस्करी का प्रयास किया जा रहा था और गवर्नमेंट ने लगभग 2.1 मिलियन गोलियां बरामद की हैं और इनके तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया है। यूएई के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि यूएई में पिछले 24 घंटे में 1,521 नए कोविड मरीज सामने आए, 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। यूएई में अब तक 668,601 टोटल नंबर ऑफ कोविड मामले सामने आए हैं, 646,227 लोग जिसमें पूरी तरह से रिकवर हो गए। मरने वालों का जो आंकड़ा है 1,913 तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,474 लोग पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। भारत के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया है कि भारत 31 जुलाई तक जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट है उसके ऊपर बैन को बढ़ा दिया है। अब देखना ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया कि कोविड के मामले घट रहे हैं, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है, तो क्या भारतीय सरकार 31 जुलाई के बाद जो फ्लाइटों के ओपन होने के बारे में कोई अपडेट देती है या फिर बैन को और आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग भारत में फंसे हैं जो विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, उनकी जॉब बहुत लोगों की चली गई है, बहुत लोगों की जाने वाली है। कितने सारे लोग हैं जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है या फिर एक्सपायर होने वाला है। ऐसे में गवर्नमेंट को इन प्रवासियों के दुख दर्द को भी समझना चाहिए और जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं उनको ओपन करना चाहिए, ये शर्त के साथ कि केवल वैक्सीनेटेड लोग ही जाएं, ताकि जो लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट होकर के वेट कर रहे हैं अपने जॉब्स पे जाने के लिए, वे नॉर्मल तरीके से अपने जॉब पे जाकर के काम अपना शुरू करें और अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो भी कर सकें। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।